का मैं हूं आपके साथ वर्षा बोले। जहां एक तरफ हमारा देश चांद को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब हमारे टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की बात कही है, जिसके लिए वे एक मशीन बनाने की तैयारी में है। तो आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट इस टॉपिक पर। भारतीय प्रौद्योगिक संस्था मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे समुद्री पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से भविष्य में स्वच्छ ईंधन बनाने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके बारे में जर्नल ACS सस्टेनेबल केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग में विस्तार में बताया गया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि अब हमें ईंधन को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई तकनीक की मदद से मांग के मुताबिक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इससे जो ईंधन को भंडार करने में चुनौतियां आती हैं, वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जरा सी लापरवाही से ईंधन के टैंक में विस्फोट होने का खतरा बना रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में हाइड्रोजन ऊर्जा का एक सबसे अच्छा स्रोत बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हाइड्रोजन जलता है तो जीवाश्म ईंधन की वनस्पत इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है, जिससे ये ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बन जाता है। मतलब इसका ईंधन पर्यावरण के अनुकूल होगा और ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं बनेगा। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि सड़कों पर डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या और साल दर साल बढ़ते तापमान को देखते हुए भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन का ही इस्तेमाल होगा। आज हमारे आसपास जितनी भी मशीनें चलती हैं, ज्यादातर कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ने से उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए शोधकर्ता समुद्री पानी से हाइड्रोजन पावर बनाकर कारों और बाइकों को चलाने का लक्ष्य बना रहे हैं।